कई लोग घरों में कुत्ते रखते हैं, तो वहीं कई लोगों के घरों के बाहर कुत्ते रहते हैं। जब हमें कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देती है तो उसे अशुभ माना जाता है। घर के बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि ये अपशकुन का संकेत है। प्राचीन काल की मान्यताओं में कुत्ते का रोना अशुभ होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि अगर कोई कुत्ता घर के सामने की ओर मुंह करके रोता है तो उस घर के किसी सदस्य पर विपत्ति आने वाली है या किसी सदस्य की मौत हो सकती है। नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल सुंदर वचन में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शास्त्रों में कुत्ते के भौंकने के बारे में कहा गया है कि कुत्तों का भौंकना या रोना अपशकुन होता है। कुत्तों के भौंकने को इंद्र से संबंधित भय माना गया है। कहा जाता है कि अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहे हो और कुत्ता आपका मार्ग रोकता है तो विषमता और अनिश्चय प्रकट होते हैं। अगर घर का पालतू कुत्ते की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उस घर पर संकट आने का संकेत है। अगर आप घर से किसी काम के लिए निकले हैं और आपको कोई कुत्ता कीचड़ में सना हुआ दिख जाए और अपने कान फड़फड़ाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर हो सके तो व्यक्ति को अपनी यात्रा तुरंत रोक देनी चाहिए। वही कुत्तों को घर में पालने के भी फायदे होते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को रोज भोजन खिलाता है तो उसके दुश्मन का भाई मिट जाता है, साथ ही वह व्यक्ति निडर बनता है। घर में कुत्ता पालने के बारे में कहा जाता है कि कुत्ते को पालने से घर में लक्ष्मी आती है और अगर घर का कोई सदस्य बीमार है तो कुत्ता उसकी बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। ज्योतिषियों का कहना है कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे काला कुत्ता पालना चाहिए। काला कुत्ता पालने से संतान की प्राप्ति होती है। कुत्ते को कुत्ते ग्रह का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई कुत्ता पालता है तो उससे राहु ग्रह का प्रभाव खत्म होता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।